Hello guys, this is the 15th lecture of bit manipulation series. In this video, we will solve one more problem on bit manipulation. So let's move to the problem. So problem में आपको n given है, जो कि positive number है. आपको उसके binary representation के bits को flip करना है. So अगर 10 की value 1010 है, तो आपको इसके 0 को 1 करना है and 1 को 0. So answer will be 5. इन नेक्स्ट एग्जांपल n की वैल्यू 7 है, इसके सारे बिट 1 है. अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो इसके सारे बिट 0 हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 0. सो अगर आपको लग रहा है कि आप बिट वाइज नॉट का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप गलत हो. बिकॉज़ कंपाइलर n को एज अ इंटीजर स्टोर करता है, और इंटीजर का साइज 32 बिट का होता है. इसका मतलब है कि ये 4 बिट में तो ये वैल्यूज होंगी, बट इधर के जो 28 बिट्स हैं वहां पर 0 होगा. अगर आप नॉट का यूज करोगे तो इधर के जो 0 वाले बिट हैं वो 1 हो जाएंगे. इतना रिजल्ट तो आपको ठीक आएगा, बट इधर के सारे बिट 1 हो जाएंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा. सो आप बिट वाइज नॉट का यूज नहीं कर सकते हो. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, बिट वाइज नॉट का यूज बहुत ही केयरफुली किया जाता है. सो आपको ये ध्यान रखना है कि कब यूज करना है, कब नहीं करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको केवल उतनी बिट को ही फ्लिप करना है जितने बिट में आप इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस. सो फर्स्ट सी सम ऑब्जर्वेशन. आपको क्या करना है, 0 को 1 एंड 1 को 0, सिंपल टू ऑपरेशन. सो ऐसा कोई ऑपरेटर हो जिसके साथ हम पर्टिकुलर नंबर का यूज करके ये रिजल्ट फाइंड कर सकें. सो आंसर इज यस. सो अगर आप XOR की टेबल को देखते हो तो उसमें आपको मिलेगा. सो अगर मैं 1 का XOR 1 के साथ करता हूं तो आंसर मेरा 0 आता है, बट अगर 0 का XOR 1 के साथ करता हूं तो आंसर 1 आता है. सो हमें कुछ ये पैटर्न मिल गया कि 1 टू 0 एंड 0 टू 1. तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें XOR तो यूज करना ही करना है. ओके, बट हमें 1 के साथ XOR करना है, सारे बिट का 1 के साथ. तो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए जिनके सारे प्लेस पर 1 आता हो. ओके, सो लेट्स सी फर्दर. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस नंबर को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो इसको कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो. इसके लिए एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके आप कॉन्स्टेंट टाइम में ये फाइंड कर सकते हो. ओके, सो इसका आंसर आ गया 4. और आपको वो नंबर चाहिए थे जिनके सारे प्लेस पर 1 आता हो. तो ये वो नंबर है जिनके सारे प्लेस पर 1 आता है. आपको इन नंबर के साथ इनका एग्जॉर करना है, बट किसके साथ कौन सा नंबर यूज होगा ये हमें कैसे फाइंड करना है. सो लेट्स सी. सो अगर आप नोटिस करो तो ये नंबर्स किसी ना किसी 2 की पावर के पहले आते हैं. तो ये किसके पहले आता है, 2 की पावर 1 के. ये किसके पहले आता है, 2 की पावर 2 के. ये किसके पहले आता है, 2 की पावर 3 के. तो आपको 10 चाहिए और यहाँ पर 4 है, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 माइनस 1, तो आपको मिल जाएगा 15. और अगर आप 15 के साथ इसका एग्जॉर कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अब उसको कैसे निकालना है, 1 के साथ अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 16, और 16 माइनस 1 आपको मिल गया 41. आपको 41 ही तो चाहिए थे, तो ये आपके पास 41 आ गया. अगर आप इसके साथ इसका एग्जॉर करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 5. तो आप सिंपल एक लाइन में ये लिखकर कैलकुलेट कर सकते हो अपना रिजल्ट. ओके, बट देर इज वन प्रॉब्लम विथ प्रीवियस अप्रोच. सो जो अप्रोच अभी हम लोग ने डिस्कस करी इसमें फ्लॉ है. फ्लॉ ये है कि ये कभी कभी आपको इंटीजर ओवरफ्लो देगा. सपोज अगर आपने किसी नंबर को 31 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो उसके जो 32 बिट की पोजिशन होगी, मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, वो 1 हो जाएगा. और कंप्यूटर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, अगर वो 1 हो जाता है तो वो आपका नंबर माइनस में हो जाता है. ओके, सो जैसे ही आप उसमें माइनस 1 करोगे तो वो आपको इंटीजर ओवरफ्लो दे देगा. जैसे कि मैंने यहाँ किया था, हम यहाँ क्या कर रहे थे, पहले तो हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, उसके बाद माइनस 1 कर रहे थे. अगर आपने यहाँ 31 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या होगा कि जो वो नंबर बनेगा वो इंटीजर की रेंज का सबसे छोटा नंबर होगा. ओके, माइनस में सबसे छोटा नंबर होगा, और जैसे ही आप उसमें माइनस 1 करोगे वो इंटीजर ओवरफ्लो कर जाएगा. ओके, तो हम ये यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ और सोचना होगा. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें 4 बिट के नंबर के लिए निकालना है तो हम 5 बिट तक जा रहे थे. सो इस क्वेश्चन में हम वो नहीं करेंगे, हम किसी तरह इसको 4 बिट में ही कन्वर्ट करके करते हैं. तो अभी तक हम 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, अब हम 3 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पर तो 1 आ गया, बट यहाँ पर 1 नहीं है, किसी तरह हमें यहाँ पर 1 लाना है. तो उसके लिए आप सिंपल क्या करो, इसमें माइनस 1 कर दो, तो आपको यहाँ पर भी 1 मिल गया.
बट ये दो अलग अलग नंबर है। अब हमें इनको कंबाइन करना है, तो सिंपल आप क्या करो और यूज कर लो, आपको 4 बिट में 1 मिल गया। ओके सो आपको रिजल्ट मिल गया जो हमें चाहिए था, हमें 4 1 ही चाहिए थे। तो अब आप सिंपल क्या करो, एक्सोर ले लो उनका, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो लेट्स कोड करके देखते हैं। सो सबसे पहले हमें इंटीजर लेना है n इनपुट। ओके अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कितने बिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बिट निकाल ली, उसके लिए सीधा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है, log 2 n प्लस 1। ओके सो अब हमें क्या निकालना है, नया नंबर m। m में सबसे पहले क्या करना है, हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितने टाइम, बिट माइनस 1 टाइम। बिट टाइम्स करके अगर करेंगे तो हमें इंटीजर ओवरफ्लो मिलेगा, बट बिट माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो हमें इंटीजर ओवरफ्लो नहीं मिलेगा। तो हमारे पास m आ गया। अब हम अपना नया m बना लेते हैं। m में क्या करना है, हमें सिंपल m के साथ और ले लेना है माइनस 1 का। सो अब हमारे पास n है और m है, तो सी आउट कर दो आप डायरेक्ट n एक्सोर m। नाउ सेव दिस फाइल डॉट cpp, कंपाइल। फ्लोर वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ओके मैथ फंक्शन यूज कर रहा हूं तो मैथ की हेडर फाइल भी यूज करनी पड़ेगी। नाउ रन, मैं 10 इंटर करता हूं, आंसर 5 आना चाहिए, आंसर 5 आ रहा है। मैं 7 इंटर करता हूं, आंसर 0 आना चाहिए। ओके सो हमारा आंसर करेक्ट है। सो दिस इज इफिशियंट सॉल्यूशन फॉर फ्लिपिंग ऑल द बिट्स। ओके I hope you learn something new from it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, hit the like and thank you for the watching. See you in next video.